हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में एक फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो इसके लिए हम एक शेप्स ले रहे हैं हार्ट की, ठीक है। और हम यहाँ से थोड़ा लाइन की विड्थ, कलर्स, ठीक है, एक शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, राइट। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रोटेट में जाके हम 90 डिग्री, ठीक है, राइट में 90 डिग्री किया है मैंने ये। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, राइट, ये रख दिया है। अब दोबारा से पेस्ट करेंगे इसे। अगर हम लेफ्ट में 90 डिग्री कर रहे हैं, सही है। अब फिर से पेस्ट कर रहे हैं, अब क्यों हम क्या करेंगे इसको रोटेट को 180 डिग्री, ठीक है, ये चारों डायरेक्शन में हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा ऊपर रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कलर्स करेंगे, राइट। इसको सिलेक्ट, अब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो हम येलो कलर से करेंगे, ये देखिए सुंदर लगेगा। अब हम इसको यहाँ से फिल विद कलर्स टूल यूज करेंगे। एक फ्लावर्स बनाया हमने, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी लीफ बनाएंगे। लीफ के लिए हम कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं, इसी टूल्स को यूज कर लेते हैं जो हमने बनाया है। ये देखिए शेप्स को ही हम वापस यूज कर रहे हैं ग्रीन कलर से लीफ के लिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं अब डायरेक्शंस में, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हाफ कर लेंगे। इसको इरेजर्स की टूल्स की मदद से, ये देखिए इरेजर्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या इसको हाफ अलग रख देते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, हाफ ही हो गई हमारी, और हाफ ही हो गई। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से हमने इसको मिला लिया है, ठीक है। अब लीफ लग रही है जो ये आगे का पार्ट्स है, इसको हमने क्या कर दिया, इरेजर्स की मदद से रफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पेंसिल टूल्स लेंगे, विड्थ ज़्यादा लेके, ये देखिए ये बन गई हमारी लीफ इजीली। अब क्या करेंगे, इसको हम पेंसिल टूल्स लेंगे, पेंसिल टूल्स की मदद से, ये देखिए ये हमने ये ड्रॉ किया। इसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, रोटेट से रिसाइज कर देते हैं। रिसाइज में थोड़ा सा घुमाएंगे यहाँ पर 22 डिग्री, ये देखिए अब लीव की शेप्स लग रही है। अब इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। जब हम पेस्ट करते हैं तब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, देखिए डायरेक्शन चेंज होगी इसकी। अब हम क्या करेंगे, लाइंस टूल्स की मदद से इसकी जो ये लीफ की है इसको हम ड्रॉ कर देंगे, राइट। अब हम कलर करेंगे, कलर को हम थोड़ा डार्क ग्रीन ले लेते हैं, ओके। इसको कलर्स लेके यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे, ये देखिए ये बन गया हमारा फ्लावर्स। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ रखा हमने इसको, इसको हमने कॉपी किया है और फिर हमने इसको पेस्ट किया है, दो बन गए हमारे। अब इसको क्या करेंगे, रोटेट में जाके हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रोटेट कर देंगे, ये देखिए दोनों फ्लावर्स हमारे हो गए। अब फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे, साइज इसका कैसे हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर, अब अगेन इसकी कॉपी फिर पेस्ट, ठीक है। और इसको फिर से हम रोटेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, ये देखिए हमने बनाई एक थी और हमारे कितने बन गए फ्लावर्स, सुंदर सा हमारा बैकग्राउंड बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल्स लेंगे, उसके चारों तरफ एक बैकग्राउंड बना देंगे किसी भी सुंदर से कलर का, ठीक है, ये देखिए ये बन गया हमारा। और इसमें कलर फिल करेंगे फिर,
फिल विद कलर्स लेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी कलर हम इसको फिल कर देंगे जो भी हमें सुंदर लगे। ये देखिए अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कलर। अब क्या करेंगे, इसका नेम लिखेंगे। तो हम फ्लावर्स बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, फ्लावर्स कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। थोड़ा सुंदर लगता है कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये देखिए हमने पर्पल कलर से लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, वापस सेलेक्ट टूल्स की मदद से इसको लेके हम कहाँ रख देंगे, सेंटर्स में। अब क्योंकि ये बन तो गया, थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर दे, थोड़ा कलर्स दे दें यहाँ पर हम। ये देखिए कोई भी बैकग्राउंड का कलर जो भी हमें अच्छा लगे वो कलर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने छोटा सा फ्लावर ड्रॉ किया और ये उससे प्यारी सी पेंटिंग बनाई है। तो हमने इसमें किसका यूज किया है, रोटेट टूल्स का यूज किया है और शेप टूल्स का यूज किया है, फिल विद कलर्स का, लाइन्स टूल्स का और एडिट कलर्स और कलर्स टूल्स का हमने इसमें यूज किया है। तो हमारी पेंटिंग बन गई है सुंदर सी, एक फ्लावर्स ड्रॉ हुआ, एक से हमने दूसरे को कॉपी किया है, हमने देखा है। और फिर उसके बाद हमने पेस्ट किया है, अंडू किया है, कॉपी पेस्ट फंक्शन यूज किया है, रोटेट किया है अपनी इमेज को सुंदर बनाने के लिए। इस तरीके से हम इसमें कोई भी फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं पेंट में।